हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं बनाने जा रही हूँ वार्मिसिली का उपमा, जिसको हम सेवई भी कहते हैं। तो सेवई अक्सर लोग दूध के साथ खाते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं ये उपमा बना ही लेती हूँ। ये तो साउथ इंडियन डिश है, तो मैंने ट्राई करा इसको। तो पहले मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया था विद लिटिल ऑयल। तो इसको ना ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, ज़्यादा बॉईल करोगे तो ये ज़्यादा चिपक जाता है। फिर इसके बाद मैंने कढ़ाई पे दिया था सरसों के दाने। एक्चुअली इसमें देना था ब्लैक, मेरे पास ब्लैक नहीं था तो मेरे पास वाइट वाला था, मैंने वाइट ही दे दिया विद रिफाइंड ऑयल के साथ। मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था तो ये खुद ब खुद ही काले काले से हो गए थे। उसके बाद मैंने इसमें दिया था ऑनियन। ऑनियन को मतलब कि मैंने ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं काटा, थोड़ा सा मोटा मोटा ही किया, क्योंकि फ्राई होने के बाद ना ऑनियन अपने आप ही छोटे छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए बड़े बड़े में रख दिया था मैंने। मगर इसमें एक और चीज़ देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, वो था कढ़ी का पत्ता। पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं कढ़ी के पत्ते को, हमारे यहाँ तो कढ़ी का पत्ता बोलते हैं, और ऐसा में इसमें नरसिंहा पात बोलते हैं। और फिर मैंने दे दी थी दो मिर्ची, तो मैं उसको ऐसा फ्राई कर रही थी। और आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे कि मेरी सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उसके बाद मैंने दे रहा था गाजर। अक्सर मैं गाजर को मतलब छोटा छोटा काटती हूँ, इस बार मैंने बड़ा बड़ा रखा क्योंकि मैं उपमा बना रही थी। क्योंकि उपमा में थोड़े से मतलब रॉ फ्रूट्स या तो रॉ फ्रूट्स नहीं, वेजिटेबल्स भी अगर आ जाते ना मुँह में तो थोड़े अच्छे लगते। तो इसमें और भी कुछ देना था मगर मेरे पास इतना सारा सामग्री नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा ओनियन भी, ओनियन नहीं टोमेटोज काट के दे दिया। तो इसको मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया। फ्राई मतलब कि ज़्यादा फ्राई मत करिए, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से मतलब कि अजीब सा लगता है, तो मतलब थोड़ा सा हाफ फ्राई, क्योंकि हम ये सब कच्चे खाते ही है। तो उसके बाद फिर मैंने दे दिया था नमक। नमक के साथ मैंने इसमें हल्दी भी दिया था, जो कि आप स्वाद अनुसार हर चीज़ दे सकते हो अपने पसंद से। हल्दी मैंने नहीं दिया था, हल्दी मैंने स्किप कर लिया था क्योंकि मुझे ना येल्लो येल्लो चीज़ ज़्यादा इतना पसंद नहीं आता है, तो हल्दी मैंने नहीं दिया था। फिर मैंने और थोड़ा सा नमक दिया क्योंकि मेरा अक्सर नमक कम पड़ता है। उसके बाद जो वार्मिसिली थी, जो सेवई था, उसको मैंने ऐसे निकाल लिया। तो ये ना आपस में चिपक ही जाते हैं, तो इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो और धीरे धीरे आँच में इसको पकाना है, ज़्यादा जोर जोर से मत पकाइए नहीं तो सारे टूट जाएंगे। रियली इसका जो फ्लेवर आया था ना बनने के बाद, इतना अमेजिंग था, मतलब इतना टेस्टी, मतलब कि मैंने ना आज तक ऐसा मतलब खुद के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाया, मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। मैं अगर आप मेरे घर में आएंगे तो मैं आपको ये पक्का बना के खिलाऊंगी। तो बहुत ही टेस्टी हुआ था ये मेरा उपमा। तो फ्रेंड्स, तो मैं ये झटपट से खा लेती हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। और आपके प्यार की वजह से आज मैं यहाँ तक बढ़ पाई हूँ, मेरे चैनल पे 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, लव यू टू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।